हेलो एवरीवन आई एम प्रियांशी शर्मा एंड आई है ए आई आर इन नीट 2021 टॉकिंग अबाउट अ रीसेंट पोस्ट अपलोडेड बाय क्रिएटिव साइंस एकेडमी व्हिच इज़ क्रिएटिंग अ रूमर अबाउट माय रिजल्ट तो उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो क्रिएटिव ने जो पोस्ट डाला है नीट 2021 ट्वेंटी रिजल्ट में उन्होंने मेरा रिजल्ट भी पब्लिश किया है तो इट इज़ कमिटेड टू बी एन अप्रिसिएशन पोस्ट बट द वे देव पब्लिश इट इट्स नॉट लुकिंग एन अप्रिसिएशन पोस्ट एट ऑल बजाय उसके ये एक एडवरटाइजमेंट लग रहा है एक टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटी अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ वेरी रेरी हाई टाइम जब सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना अपना रिजल्ट अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं काफ़ी बारी मैंने ये बात कही है काउंटलेस टाइम आई हैव आई हैव सेट दिस एंड इन प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल कि आई हैव बी रेगुलर टारगेट बैड स्टूडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑफ डी एस साइंस अकेडमी आई हैव नॉट बीन कनेक्टेड टू एनी अदर इंस्टीट्यूट इन दिस प्रिपरेशन जर्नी एंड जब क्रिएटिव नए पोस्टर अपलोड uh, किया तो uh, देख कर काफ़ी दुख हुआ क्या, या फिर यूँ कह सकते हैं एक तरीके का डिसपॉइंटमेंट uh, आप कह सकते हैं uh, मैनी बाय दिस द पब्लिक इज इंटरप्रीटिंग इट रॉन्ग एक तरीके का कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रहा है जो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम का रूप भी ले सकता है इन फ्यूचर एंड आई डोंट वॉन्ट एनी हिस्ट्री टू रिपीट एट एनी कॉस्ट फॉर माई इंस्टीट्यूट डी एस साइंस अकैडमी जिन्होंने मेरे प्रिपरेशन में मेरे रिज़ल्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है तो so, मैं नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी कि मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर इस इस तरह का कोई भी केस uh, कॉन्फ्लिक्शन सामने आए जब ये रिज़ल्ट बिल्कुल सच्चा है ट्रू है एंड uh, बात करिए उस पोस्ट की तो uh, आप इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज समझ लीजिए uh, कि ये गलत है अगर आप उस पोस्ट को द वे जिस तरीके से आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला है द फर्स्ट साइड गिव्स अ वेरी क्लियर कट जजमेंट की द रिजल्ट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूट वहाँ पे देखकर कहीं नहीं लग रहा है कि एक अप्रिसशन पोस्ट है फॉर देयर स्टूडेंट्स जिन्होंने जो फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक उनके स्टूडेंट रहे हैं फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ क्रिएटिव पब्लिक स्कूल एंड मैंने वहाँ से प्रिपेयर करके इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन से आई हैव गिवन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी जिसमें मैंने फाइव सिक्सटी एट स्कोर किया था आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी लास्ट ईयर उसके बाद आई हैव जॉइंड डी एस साइंस अकेडमी जिसके बाद uh, मेरा जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है तो ऐसे में दे आर ऑल्सो माई टीचर्स आई रियली रियली लुक अप टू दैम बट जब इस तरह की चीज़ें uh, सामने आती हैं या फिर uh, आपका रीज़न कुछ और हो डालने का बट uh, जिस तरीके से आपने डाला है इट्स नॉट कमिंग आउट टू बी राइट और आई वुड नवर सपोर्ट एंड एक्सेप्टड एट एनी कॉस्ट तो आप प्लीज़ इस जो भी आपने पोस्ट अपलोड किया है रेगालिनी ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिज़ल्ट जिसमें आप जिसमें आप ये जाहिर कर रहे हैं कि वो आपका रिज़ल्ट है यदि आप ये सिर्फ अप्रिसिएशन के तौर पर कर रहे हैं सो आई रियली रेस्पेक्टेड आई रियली अक्सेप्टोर कॉम्प्लीमेंट एंड आई रियली फील ग्रेटफुल एंड प्रिवलेज इफ यू डू दैट बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ तो अपने पोस्ट में आपको डी एस साइंस अकेडमी को भी शामिल करना चाहिए था ये बताते हुए कि हाँ हम आपके स्टूडेंट हैं ट्वेल्थ तक हमने इस बारी कम्प्लीट स्कूलिंग कम्प्लीट स्कूलिंग की है फ्राम क्रिएटिव पब्लिक स्कूल बट दिस रिजल्ट ऑफ सिक्स नाइन ईयर ऑफ सेवन ट्वेंटी द क्रेडिट गोज़ टू डी एस साइंस अकेडमी एंड अप्रिसिएशन में आपको अपने इस इंस्टीट्यूट को भी आ, कनेक्ट uh, करना चाहिए था अपनी पोस्ट में जो कि नहीं किया जो जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोवर्सी uh, uh, पैदा कर रही है एंड क्रिटिकल इशू भी बन सकता है इन कमिंग टाइम तो आई डोंट वांट इट टू हैपन सो दैट इज़ इट

ऊपर मैं ये एक छोटा सा वीडियो अपलोड करके एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी हालांकि ये क्लैरिफिकेशन मुझे देने की जरूरत पड़ रही है या फिर मुझे इंस्टीट्यूट के थ्रू देने की जरूरत पड़ रही है ये नहीं होना चाहिए था शुड नॉट हैपन बट इफ़ इट्स हैपनिंग दैट इट्स रियली रॉन्ग एंड आई रियली आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एंड आई रियली डोंट एनी कॉज अप्रिसिएशन पोस्ट है तो आपको डी एस साइंस अकेडमी को भी लिंक करके आपको पोस्ट देना चाहिए था ताकि लोगों लोगो को लोगों को क्लैरिटी रहे कि एक्चुअली वॉट इज़ राइट एंड कोई किसी भी तरीके का गलत जजमेंट लोग ना करें बिकॉज र्यूमर्स फैलने में टाइम नहीं लगता है सभी जानते हैं सभी समझदार हैं एट दिस वर्ड्स आई वॉन्ट टू से थैंक यू एंड डोंट इंटरप्रेट इट रॉन्ग एंड हो सके तो अभी के अभी uh, जितना जल्दी ये वीडियो उन तक पहुँचे इस पोस्ट को डिलीट करें टू uh, दब्लिक आज भी कल भी पहले भी एंड ऑलवेज आई विल से दिस कि मैं डी आस अकेडमी की ही स्टूडेंट हूँ टारगेट बेस्ट स्टूडेंट हूँ एंड uh, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे पर्सनली गाइड करके मेहनत करके डेडिकेशन से बहुत मेहनत से ये रिज़ल्ट हमने बनाया सो लेटर सेलिब्रेट कि इन कॉन्ट्रोवर्सी को क्लैरिटी देने की बजाय लेटर सेलिब्रेट विद फुल जॉय एंड थैंक यू